यूपी के आजमगढ़ में आज यानी 15 जुलाई को ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में शिक्षक संगठन सड़क पर उतर गए। जिला मुख्यालय पर शिक्षकों का सैलाब उमड़ पड़ा। शिक्षक, शिक्षा मंत्री, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मचारी संगठन कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी देते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 11 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। जिलाधिकारी के माध्यम से यूपी के सीएम को ऑनलाइन हाजिरी के संबंध में अपनी 5 समस्याओं को लेकर ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों का ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते हुए 3 प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। पहली समस्या, जिले के सभी विद्यालयों तक आने जाने का रास्ता नहीं है। यही नहीं, वर्तमान में घाघरा नदी के बाढ़ की चपेट में कई विद्यालय आ गए हैं। दूसरी समस्या है, कई विद्यालयों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तीसरी समस्या, प्रतिकूल मौसम होने की दशा में निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होना है। इसके साथ ही शिक्षकों की सरकार के समक्ष वर्षों से 7 प्रमुख मांगे भी लंबित हैं। इसमें प्रमुख रूप से राज्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा व सामूहिक बीमा प्रदान करना, राज्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी वर्ष 30 EL की सुविधा प्रदान करना। तीसरी मांग है, राज्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी वर्ष में 15 हाफ CL की सुविधा प्रदान करना। लो नारा लगा दे, नारा लगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हो से आओ, देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।